अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, आबाद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छी तरह खुश खुशहाल रखे। सो दिस इज़ फरियाद एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद, पाकिस्तान। अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ और लेकिन अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। टाइमिंग जो है ना बहुत गलत चूज़ की हम लोगों ने। खैर अब जो भी है, हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर। नानी का घर का जो मुझे स्टार से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा, नानी का घर है टंडोल यार में, वहाँ पर हम जा रहे हैं। और ईद के बाद जो है मेरी खालें मैरिड है सारी, तो वो अब आई हैं नानी के घर, तो इसलिए हम लोग भी अब जा रहे हैं, वरना हम ईद पे ज़रूर जाते हैं। ईद पे नहीं गए थे तो अब ईदी भी वसूल करनी है वहाँ से, और ज़्यादा देर रुकना भी नहीं है। 5 घंटे के लिए जाना है, हम लोगों ने कैब की आने जाने के लिए, और वही हमें वापस लेके आएगी। और कुछ नहीं, बस अब कैब का इंतज़ार हो रहा है, सब तैयार हो गए हैं। और हाँ, ये कि ओगी को नहीं लेके जा रही हूँ मैं, ओगी के 5 घंटे के लिए जा रहे हैं, रुकने जाते तो ओगी को लेके जाती, पप्पा घर में ही हैं, बाकी हम सारे बहन भाई पांचों और अम्मी जा रहे हैं। और ओगी घर में रहेगा अब्बू के साथ, अब देखो पता नहीं वो अब्बू का क्या हाल करेगा या अब्बू उसका क्या हाल करेंगे। और अब मैंने क्या पहना है जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेस जो है मेरा, ये अम्मी ने ईद पर बनाया था। गाड़ी आ गई है। अरे वह इधर आओ, इधर देखो कहाँ जा रही है। इधर आओ, तुम तो इत्तेफाक नकाब लगाए क्यों पागल। मेरे पीछे आ रही है मेरी पूंछ। मैं रहे हैं नानी के घर का, मैं रहे तू नहीं है। चले जी, अब हम जो है अपनी मंजिल को रवाना हुए हैं। अब हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है हैदराबाद से लेके टंडोल यार तक का, ठीक है। अब आप लोग ऑब्वियसली बोल रहे होंगे हसन और मैं आगे बैठे हुए थे साथ में, तो भाई यही सीन है। अब माशाल्लाह से हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, हम लोग 5 बहन भाई हैं और मम्मी, तो इसलिए इसमें पीछे मेरी तीनों बहनें फायजा, अरीबा और फरिया बैठ गई थी अम्मी के साथ, हसन और मैं आगे बैठे हुए थे। और कैब की थी तो ऑब्वियसली ड्राइवर था, इसलिए जो है हम दोनों साथ में थे। अब हमारे साथ हो गया सीन ये हो गया कि हम दोनों तो साथ में आगे जाके बैठ गए। जब हमें कैब घर पे पिक करने आई थी तो तब कोई लड़का था, ठीक है। अब उस लड़के ने रूट चेंज करके ना पता नहीं कहाँ जा रहा, हम कह रहे भाई कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मेरा अब्बू आप लोगों को लेके जाएगा, वो आगे से जाके बैठेगा। हमने कहा चलो ठीक है। अब हम ये रास्ता तो क्रॉस हो गया, उसके बाद जब उस लड़के का अब्बू आया और उस लड़के के अब्बू ने जैसे हम दोनों को आगे देखा ना गाड़ी में बैठते ही हमें ये बोला, दो दो आगे क्यों बैठे हुए हो, मोटरवे वाले रोक लेंगे, गाड़ी यही है सुजुकी नहीं है। अब हम सबके सब चुप, हमारी बोलती बंद, हमसे एक लफ्ज नहीं बोला जा रहा, क्योंकि वैसे ड्राइवर थे ना, ड्राइवर का चेहरा ऐसा कोई रोब वाला है और उन्होंने कोई इतनी बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई हैं जिसकी वजह से हमने उनको देखते के दिया था, वरना हम उनके आने से पहले लड़ रहे थे कि हमारे मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करो, हमारे मोबाइल से करो, हम चलाएँगे। वैसे हम वो और हम लोग क्या कहते हैं सॉन्ग्स नहीं चलाते सफ़र में, क्योंकि भाई सफ़र है, अब सफ़र के दौरान अगर मौत खुदा न खास्ता आ भी जाए तो बहुत ख़तरनाक मौत होगी कि गाने सुनते हुए गए हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ना नाते चलाते हैं, या तो पाकिस्तान के जो सॉन्ग्स होते हैं वो चलाते हैं, या फिर एक वो है सोना लगदा अली वाला और मिला छुपाना और ताजदार हरम, ऐसी चीज़ें जो है ना हम चलाते हैं, सॉन्ग्स नहीं चलाते हैं। तो अंकल को देखते हैं हमने कहा कि चुप रहना सब और अभी कुछ भी नहीं चलाना टेप, क्योंकि ये बहुत गुस्से के लग रहे हैं। तो हम लोग जो है फिर चुप ही बैठे हुए थे और अंकल ने आते ही जो है ना अंदर ये बोल दिया हमें हम लोग बिल्कुल चुप। अंकल ने जैसे कहा दो दो क्यों बैठे हुए, उस गाड़ी है सुजुकी है, हम लोग ना बिल्कुल चुप थे। तो फिर क्या नाम से कहने लगे, हम लोग कुछ भी नहीं कह रहे ना, तो फिर अंकल कहने लगे कि बोलो गाड़ी है सुजुकी है। हसन ने कहा, हसन नहीं बोला फिर, हाँ गाड़ी है अंकल। फिर अंकल कह रहे गाड़ी है तो फिर सुजुकी की तरह क्यों बैठे हैं आगे।
और क्या कहते हैं, मोटरवे वाले रोक लेंगे ये वो, बस अंकल ने आते ही हमें अंकल से जिस तरह से डर लग रहा था ना, तो अंकल ने वही सीन कर दिया। खैर उसके बाद आगे हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आधा घंटा या फिर 40 मिनट तक का ये सफ़र होता है। इस रास्ते में इतने कोई आम के बाग आते हैं, इतने कोई आम के बाग आते हैं, मैंने सारे बागों की वीडियो बनाई है, देखो ज़रा, बहुत सारे आम के बाग आते हैं। ये वीडियो जो है अभी मैं पार्ट्स में अपलोड करूँगी। आज का जो दिन है अभी जो है बस ये ट्रैवलिंग का ब्लॉग है। इसके बाद जो है मामू के घर हमने सबसे पहले जाना था, मामू का घर कॉलोनी में, वो उनकी जॉब है शुगर मिल कॉलोनी में, तो वो जो है ना वहाँ मैं जॉब करते हैं ना, तो वहाँ उनकी तरफ से उन्हें घर मिला हुआ है, शुगर मिल कॉलोनी की तरफ से उन्हें घर मिला हुआ है और उनका प्रमोशन भी हुआ रिसेंटली, तो हमने सुना है कि उनको काफ़ी अच्छा घर मिला है। तो अब जो है हमें, मैं उनके पूरे घर की भी वीडियो बनाऊंगी, और इसलिए हमने कहा कि सबसे पहले वहाँ जाते हैं क्योंकि उसके बाद फिर नानी के जाएंगे, तो नानी के घर पे बहुत सारी खालाएँ हैं हमारी माशाल्लाह से, तो ये होता है कि मेरी सांस भी फूल गई। नानी के घर पे बहुत सारी खालाएँ हैं, तो ये होता है कि वहाँ पे फिर हमें टाइम नहीं मिलता कि हम लोग क्या करें, वापस यहाँ पर मामू के घर आने का टाइम नहीं मिलता हमें, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम वहीं चले जाते हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे। सफ़र तो चल ही रहा था। हसन ने मेरे साथ एक और सीन कर दिया। एक तो हसन मेरे साथ बैठा हुआ था आगे, और हसन को आ गई नींद। लो भाई, अब मुझे इतना डर लग रहा, मैंने कहा अगर इसने गलती से भी नींदों में अपना हाथ पांव हिलाया तो, और हसन बैठा हुआ था ड्राइवर की तरफ और वो ड्राइवर इतने गुस्से वाला, मैं कह रही इसने गलती से अपना हाथ पांव हिला लिया इधर उधर तो फिर हम क्या करेंगे, अंकल ने गुस्सा किया तो फिर क्या होगा। आधा रास्ता तो मेरा डर डर के ही गुजर गया। ये जो आगे रखा हुआ है गाड़ी में अचार रखा हुआ है, ये मेरी खाला है ना, एक अनम्मा जी, उनको बहुत पसंद है अचार। अभी ये अचार बना ही नहीं है क्योंकि ये अभी तो डाला था हमने अचार, लेकिन उनके लिए लेके जा रहे हैं, वो खुद ही बना लेंगे इस अचार को। अभी मैं जिस टाइम ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, ये भी मैंने मामू के घर पर बैठ के एडिट की है, फायदा वाले जो हैं ये सब, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ा सा खेत जो है इनके घर के पीछे बना हुआ है, मामू के घर के पीछे, और फायजा को खेत ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्या ऐसा लगता है, गांव के बहुत शौकीन है। इसका तो दिल चाहे कि बस खेतों में ना अपनी सहेलियों के साथ ना घूमती रहे, ऐसे कोई उसको खेत पसंद है। तो वो आप क्या कर रही है, टिकटॉक बना रही है पीछे बैठ के। ये देखो अम्मी और अरीबा और फरीहा, अरीबा को देखो सर अपना कैसा फेस छुपा रही थी मुझसे, बहुत प्यारा माशाल्लाह से अरीबा का फेस है, मुझसे छुपा रही थी। अभी जिस दिन हम ये टंडोलियार आए हैं, हमें ओगी को भी लाना था लेकिन ओगी को घर पे ही छोड़ा है। अब पप्पा को हमने कहा था कि पप्पा जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाए ना, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये जो घर जा रहा है ना, ये घर मेरा फेवरेट घर था, मतलब हम जब भी टंडोलियार जाते ना ये घर में देखती हूँ, ये टंडो जाम में है, टंडो जाम में एक यूनिवर्सिटी है, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हाँ, तो ये घर जो है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का घर है। हम लोग जब भी टंडोलियार जाते हैं ना तो मैं ये ज़रूर देखती हूँ। पहले तो बहुत 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 पहले जब हम छोटे थे, जब हम आते जाते रहते थे, तब तो ये रोड्स भी इतने बने हुए नहीं थे, अब तो माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा बन गया है और ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है, जो कि बहुत अच्छी है हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी है। घर से जब हम लोग निकल रहे थे तब पप्पा ने जो है सबको एक एक वो दिया, क्या कहते हैं, फरिया मेरी बस सैंडल उठाओ, और फायजा ने अपने सैंडल का क्या हाल किया, फरिया वो मेरी उठाओ, साफ करो, उस पर पता नहीं क्या लगा हुआ है, सॉरी। हाँ जी, ये लोग खत्म हैं क्या, नाम से घूमने गए थे ना, तो अपनी सैंडल जो है बिल्कुल मिट्टी में करके आए हैं फुल, क्या कह सकते हैं। ये देखो ज़रा, हाँ मैं बता रही थी, जब घर से हम लोग निकल रहे थे ना तब पप्पा ने जो है सबको एक एक मास्क दिया था, पप्पा ने कहा था कि ये मास्क जो है सबको संभाल के रखना है, और वापसी में जो है मैं सबका मास्क देखूंगा, जिसके पास नहीं हुआ ना उसके खैर नहीं है। अब फरिया मैडम का मास्क तो पता नहीं कहाँ गिर गया, मुझे पता ही नहीं है, अरिवा ने तो संभाल के रखा हुआ है, मैं भी भूल गई थी यहाँ आते ही, लेकिन मैं भूल तो गई थी मास्क, लेकिन याद आ गया मुझे,
मैंने मामू के घर में ढूंढा तो मिल गया। मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी है भाई, गाड़ी के अंदर तो नहीं लगाया हुआ हम लोगों ने। अम्मी हैं फायज़र से एडमिट किए, इसलिए फायज़र को तो आना ही नहीं है, फायज़र को तो आना ही नहीं है कैमरे में, इसलिए फायज़र को नहीं लिया, बाकी इन तीनों को मैंने लिया हुआ है फरिया। ये देखो ज़रा हसन को कैसे सो रहा है, हसन ने तो बहुत अच्छा सीन किया मेरे साथ। परिया वाले अरिवा वाले बार बार उसको तंग कर रहे हैं, पीछे से पुश कर रहे हैं कि भाई उठ जाओ, सो क्यों रहे हो। खैर यहाँ पे ये कॉलोनी नज़र आ रही है और क्या कहते हैं, अब हमारा ये आ गया है टंडोलियार, टंडोलियार आ गया है। सबसे पहले शुगर मिल कॉलोनी जाना है मामू के घर, उसके बाद नानी के घर जाएंगे। आगे मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, आप लोग वीडियोस देखते रहिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।